आज बड़े ही शुभ दिन है, सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इस गांव में एक साल पहले लगभग हम लोग 5 दिनों का योग शिविर का कार्यक्रम आयोजित किए थे और पूरा गांव बड़े ही उत्साह के साथ, श्रद्धा निष्ठा के साथ योग शिविर में भाग लिया था। और हम लोग एक संकल्प लिए थे कि जब तक गांव रहेगा तब तक हम लोग योग का कक्षा लगाएंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाएंगे हम लोग। यह गांव का नाम है जयनगर और यह बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड में आता है और हमारे मध्य में बैठे हैं इस गांव के आदर्श योग शिक्षक आदरणीय मंटू कुमार जी। इनको एक बार हम लोग करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे, तालियों के साथ में, गड़गड़ाहट के साथ में। इन्होंने इस गांव में कार्यक्रम का आयोजित करवाया था और आज एक साल होने जा रहा है और हम निरीक्षण के लिए आए थे आपके गांव में। हम देखने के लिए आए हैं कि हमने जो सिखा करके, जो बता करके यहां से गया था, आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके गांव में नियमित योग कक्षा चलता है और इस कक्षा को चलाने के लिए हमारे आदरणीय मंटू जी लगातार मेहनत करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित करते रहते हैं। आइए पूरे ग्राम वासियों को एक बार हम शुभकामना व्यक्त करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों के द्वारा करेंगे। सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा और सांस भर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमायमृतमुगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी दिव्यात्माओं को, आप सभी आदर्श योग साधकों को जो आप लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, आज हम एक बार डॉक्टर ब्रिज मोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग जो हमने योग के बीज को यहाँ पर बीजारोपित करके गया था वो आज अंकुरित हो गया है। क्या हो गया है? अंकुरित हो गया। जैसे गेहूं को खेत में डाल देते हैं और कुछ दिन छोड़ देते हैं तो गेहूं क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है, जम जाता है। तो हमने योग के बीज को इस गांव में बीजारोपित करके गया करीब एक साल पहले और हम आज देख रहे हैं कि वह योग का बीज आज जम चुका है और जम करके अब ये इंतजार कर रहा है पल्लवित होने का, पुष्पित होने का, फलदार होने का, छायादार होने का। अब इस अंकुरित योग के वृक्ष को हम लोग पोषित करेंगे रोज योग करके, रोज प्राणायाम करके, तो एक दिन ये वृक्ष बड़ा होगा और वट वृक्ष की तरह विशाल होगा और उस योग के वट वृक्ष में बैठ करके पूरे गांव वाले
निरोग होंगे। पूरे गांव वाले अपने को कायाकल्प करेंगे, शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करेंगे। तो आज मुख्यतः हम चार प्रकार के प्राणायाम आपको एक बार पुनः बताएंगे और आपसे अभ्यास भी करवाएंगे। कुछ तो हम बताएंगे और कुछ हमारे आदर्श योग शिक्षक आदरणीय मंटू जी हैं, इनसे भी हम चाहेंगे कि जो रोज करवाते हैं ये आपके बीच में उसको करवाने का भी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे।